ये राम दास का सामान गॉड चलो चलो सलामे सस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सीटीसी मुसाबनी में आईआरबी 1-5 के पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आकर्षक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। मौके पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में प्रशिक्षु आरक्षियों ने देश और राज्य सेवा का संकल्प तथा अपने दायित्व और कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी निष्ठा परिश्रम हर्ष और नम्रता के साथ करने की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षु आरक्षियों को जिंदगी की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तरह तरह के हो रहे अपराध से निपटने की बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है। ऐसे में पुलिस कर्मियों को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ साथ बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण मिले, इस पर सरकार का विशेष जोर है, ताकि सामान्य अपराधों के साथ साथ साइबर अपराध और आर्थिक अपराध से जुड़े अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। आपकी सेवा राज्य और जन जन की सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था के अलावा चुनाव समेत कई अन्य कार्यों में ली जाती है। ऐसे में आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके, इसमें आपका प्रशिक्षण काफी कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर मुसाबनी को जीवंत बनाए रखने की कार्य योजना अधिकारी तैयार करे, इसमें प्रशिक्षण के साथ अन्य क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किए जाने की संभावनाओं को तलाशे, ताकि इसे देश के बेहतरीन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में शामिल किया जा सके। कार्यक्रम में 2019-20 सत्र के आईआरबी 1-5 764 प्रशिक्षु आरक्षियों में से 260 महिला प्रशिक्षु आरक्षी और 504 पुरुष प्रशिक्षु आरक्षी शामिल है। काफी अच्छी शिक्षा तालीम करने के साथ साथ कई डिग्रियां भी आप लोगों ने प्राप्त की हैं और उसके अनुसार आप लोगों ने कई ट्रेनिंग्स भी ली हैं। ये बात सही है, आज कई तरीके के क्राइम राज्य में देश में हो रहे हैं। नए नए तकनीक, नए नए संसाधनों का उपयोग अपराधी द्वारा किया जा रहा है। आज उन अपराधियों को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के द्वारा अपने जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो साइबर क्राइम की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइम की बात हो, चाहे वो जघन्य अपराध की बात हो, सामाजिक अपराध हो, कई तरीके के। और ये जरूरी है कि हमारे जवानों को हर अपराध को काबू करने के लिए और हर अपराध को जड़ से खत्म करने का भी उसे ट्रेनिंग प्राप्त होना चाहिए। आज यहां इतना बड़ा कैंपस, मुझे लगता है कई ट्रेनिंग सेंटर में मुझे जाने का मौका मिला, इतना खूबसूरत ट्रेनिंग सेंटर नवनिर्मित एकदम नए मॉडर्न तरीके से यह तैयार हुआ ट्रेनिंग सेंटर, आने वाला समय और बेहतर जवानों को ट्रेनिंग देकर नए नए तकनीकों के साथ लैस कर अपने बटालियनों में तैनात करेगा। यहां मैं डीजीपी साहब, पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा कि इस कैंपस को जीवंत रखने का आप लोग कार्य योजना बनाए, ट्रेनिंग के साथ साथ और क्या बेहतर इस कैंपस में किया जा सकता है उसको आप
करने का काम करें। और एक उदाहरण के तौर पर इस कैंपस को आप लोग डेवलप करें, सिर्फ राज्य ही नहीं देश में इस कैंपस का नाम रोशन हो, इस तैयारी के साथ आप लोग आगे बढ़ें। और इसके बाद दो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत करेंगे। मैं आईजी ट्रेनिंग श्रीमती प्रिया दुबे मैम से निवेदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बेटू ने अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी की पेंटिंग बनाई है और अब सप्रेम भेंट प्रदान करें। मैम तालियां भी हो।